हेलो दोस्तों, आप सब लोग मस्त होंगे और निखिल जाने किचन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज मैंने ढोकला बनाया भाई। ये गुजराती में ढोकला बहुत फेमस है, तो चटपट कोई गेस्ट आया तो घर पे ढोकले को कैसे बनाया जाता है, तो उसकी मैं आज रेसिपी बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें बेसन लिया हुआ है, तो आप देखते रहिए बेसन वगैरह लिया हुआ, लेकिन मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि मेरी रेसिपी के साथ एक सक्सेस रेसिपी जरूर मैं आपको बताऊँगा। तो आज क्या है कि यूनिवर्स के अंदर सब चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं पे बैठे हुए लेकिन मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं, इसी प्रकार से आपके थॉट्स के वाइब्रेशन भी बाहर जाते हैं। और जैसे आपके वाइब्रेशन रहेंगे, जैसी आपके थॉट्स रहेगी, ऐसी चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। तो इसके लिए हमारे को कुछ चीज़ अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसको बार 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 हमारे को सोचना है, बार बार हमारे को लिखना है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपके जो भी गोल हो, जो भी सपने हो, सुबेरे उठ के कम से कम 12 मिनट लिखिए। जैसे कि आपको चाहिए घर चाहिए, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल गॉड, नाउ आई एम लिविंग इन 4 BHK हाउस। आपकी इनकम चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल गॉड, नाउ माय इनकम इज 2 लाख रुपीज पर मंथ। आपको वेट लॉस में चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ माई वेट इज 80 kg। आपको जो भी है, आपका प्रेजेंट वेट है या 60 kg है, और आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज से आप जूझ रहे हैं, सो गॉड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू, नाउ आई एम फुल्ली फिट एंड फाइन। तो जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसको लिखते जाइएगा, उसको मनन करते जाइएगा, और डेली आप इसको करेंगे तो भाई ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। देखिए, जैसे मैंने इसमें डाला हुआ है, दही डाला हुआ है, बेसन डाला हुआ है, इन सबको हमारे को स्लो गैस पे थोड़ी देर के लिए पकाने का है। तो देखिए, स्लो गैस पे जैसे जैसे हम बेसन को पकाने जा रहे हैं, इसमें दही भी डाला हुआ है, और ये जो है जैसे ही गाढ़ा होता जाएगा उसके बाद हम इसको जमा देंगे। देखिए, आप इसको पकाते जाइएगा और ये ऑटोमेटिकली गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाता है, उसके देखिए आप एकदम थिक, ये बैटर की तरह बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए एकदम थिक बन गया है। तो इस स्टेज पे हमारे को क्या करना है, ये देखिए एकदम थिक बन गया है, बहुत बढ़िया बना हुआ है भाई। ये जो गुजराती ढोकला आप इस प्रकार से बनाएंगे ना, मैं बता नहीं रहा हूँ कि आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा, और आपको बाहर से ढोकला लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मेरी रेसिपी को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वो आप खुद कर लोगे। आप देखो, पसंद आएगा तो आप खुद करोगे, मेरे बोलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा तो वो मेरे को अच्छा लगेगा। तो आप लोग जो भी है अपना कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों की वजह से मेरे को उत्साह आता है नई नई डिश और नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, ये वाले बैटर को हमारा क्या करना है, हमने एक एल्यूमिनियम का ये पैन लिया हुआ है, इसके अंदर इस बैटर को इस प्रकार से आपको स्प्रेड आउट कर देना है। देखिए, स्प्रेड आउट करना है आपको। और दोस्तों, जब भी खाना बनाएं पॉजिटिव रहिए, जब भी आप कुछ भी कार्य करें ऑलवेज डबल पी को याद रखिए। डबल पी का मतलब क्या है, प्रेजेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहना है और हमेशा पॉजिटिव में रहना है। सो ऑलवेज बी इन डबल पी, ऑलवेज बी इन द डबल पी। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको क्या बोलना है, कैंसिल कैंसिल। नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको कैंसिल कैंसिल। कोई हैबिट को चेंज करना है तो जैसे ही आप उस हैबिट में वापस जाते हैं तो चेंज आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए भाई, ढोकले बन के रेडी हो गए हमारे, और ये जो है ना एकदम स्मूथ एंड स्पंजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब आप ऐसे भी खा सकते हो और फ्राई करके भी खा सकते हो। तो फ्राई करने के लिए जो है, जो अपना जीरा वगैरह में आप फ्राई कर सकते हो, आप इसको राई में फ्राई कर सकते हो, आपको जैसे फ्राई करना, लेकिन इसमें यहाँ पर पड़ेगी राय। तो आपको तेल ले लेना है। देखिए, मैंने छोटी सी एक लोहे की वाटी ली है, इसमें मैं तेल डाल दूंगा। ये भाई, इसमें ऑयल चला गया इसके अंदर, इसमें कुछ लोग शक्कर का पानी भी डालते हैं। तो ये हींग हो गई, इसके अंदर हींग का आपको तड़का देना है। हींग के बाद इसमें राय पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको राय, देखिए मस्टर्ड सीड जिससे बोलते हैं, राय डाल दिए, और थोड़ा सा आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें, और ये ऑप्शनल है, कड़ी पत्ता आप नहीं चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। और रेड चिली डाल दीजिए आप इसमें, और ये जो वघार को है आपके ढोकले पे आप छिड़क दीजिए भाई, और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। ये भाई देखिए, ये हो गया, ढोकले पे वघार आ गया और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। और इसको आप चाय के साथ खाइए, आप इसको खाने के साथ खा सकते हैं, कैसे भी आप खा सकते हैं, गेस्ट आए तो मेहमान को भी सर्व कर सकते हैं। ये भाई ढोकला बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों, रेसिपी कैसे ही लगी आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।